भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। छब्बीस तारीख को, 26 नवंबर को मैंने TMC को एक लेटर दिया है और CC किया है पुलिस को। मित्तल का जो रास्ता है नया वाला, वहाँ पर गेट बना हुआ है जिसपे कुछ हमारे बड़े लोगों का भी फ़ोटोज़ है और एक नाम है आमदार साहब का। वो कैसे आया? अगर ये गेट बना है TMC के फंड से और प्रस्ताव अगर पास हुआ है या किसने, नगर सेवक ने प्रस्ताव रखा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का मैंने पेपर मंगा है। और पेपर मंग के मैंने उसमें बोला था कि 8 दिन में हमें आप पेपर दो या जवाब दो, कैसे क्या हुआ और जितेंद्र रावत साहब का नाम कैसे लिखा गया, तो या फिर हम ये कॉपी तो मैं दूंगी आपको, या फिर 8 दिन बाद या 8 दिन पे ही हम हमारे हिसाब से वो नाम निकाल देंगे। जो नाम लिखा गया है उसको लेकर आप आपत्ति जता रही हैं, क्यों निकालने की बात कर रही हैं? मालूम पड़ना चाहिए ना शहर को, कौन बनाया है, किसने बनाया है। उठ सुट के नाम निकल लगा देना, चोरी चोरी छुप छुप के नाम चढ़ा देना, तो शहर में मालूम पड़ना चाहिए, शहर के लोगों को मालूम पड़ना चाहिए किसने किया है, क्या किया है, किसका नाम आमदार का नाम लग गया मतलब वो आमदार ने किया है क्या। ये गलत फहमी लगता है, बहुत गलत लगा लगा के किया है। तो अभी के बाद, आज के बाद जो भी जिधर नाम है उस पर काम होगा और बायदा पेपर मंग के करेंगे हम लोग काम। तो उसी से ये बिस्मिल्ला किया गया है कि आज के बाद जिधर जिधर नाम अगर आपका लगा है, जिधर जिधर किसी नगर सेवक का लगा है या आमदार का लगा है, तो TMC हमें पेपर दे या किसने बनाया, क्या शहर को मालूम पड़ना चाहिए ना ये कौन बना रहा है, किसका नाम है, क्यों है। क्योंकि हमको सभी को पता है, आप लोगों को, नाम निकाला गया फिर लगाया गया, निकाला गया फिर लगाया गया, इसलिए सभी के सामने सब पेपर आना चाहिए, इसलिए लेटर दिया गया है और देखते कब पेपर आता है या हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। हम हमारे हिसाब से उप नाम निकाल देंगे। वैसे कुछ लोग महानगर पालिका के प्रभाग समिति के बाहर टेंट लगा के भूख हड़ताल का ड्रामा करके, हाँ, कि एक टेबल मुमरा में और कैसा बढ़ जाए ताकि बिल्डर हमारे पास भी आए, हमारी भी कुछ तोड़ पानी हो। तो इसको मार्गदर्शन है ना, ये हमारे आमदार साहब कर रहे, फिर उसमें टीका टिप्पणी करने का कि मुमरा में कब्जा की हुई जगह वहाँ पर शाखा बन रही है। तो जिस तरह से मुमरा एक समझौते का शहर है, यहाँ पर मस्जिद के लिए भी आदमी दो कुछ फुट जगह छोड़ के मस्जिद पीछे कर लेता है, तो क्या लीगल थोड़ी है इसका मतलब? मस्जिद, मंदिर है, मंदिर भी यहाँ पर मुमरा स्टेशन के पास पे रोड पे था, कौसा जामा मस्जिद, उसको तोड़ के पीछे किया गया और उसके बाद में मुमरा। अरे मैं ये आमदार साहब को बोल बोल के थक गया था जब ये मिनिस्टर थे तब, कि ये बस्ती बहुत पुरानी बस्ती है, 1985 से बिल्डिंगें बन रही है, ये बिल्डिंग में जब अभी रिपेयर का काम जब चालू होगा तो यहाँ के लोगों का हाल क्या होगा। बीच में एक बार भूकंप आया था, वो टाइम पे एकदम फिकर का विषय था। तो आपने कहा मस्जिद जो है आप पीछे कर लिए जाती है, तो मस्जिद क्या लीगल हो जाती है? मस्जिद क्या लीगल है? नहीं, तो वही मैं बता रहा हूँ कि मुमरा एक समझौते का शहर है, यहाँ पर हर काम समझौते से, हिंदू मुस्लिम पूरा हो जाने दो, फिर पूरा क्या हो जाने दे, वो बोल रहे हैं ना, तो वही पूछ रहा हूँ। उसी वो भूकंप के बारे में बताने जा रहे हैं, अभी तो मुद्दा बता ना, सुनिए। और आप बताइए मस्जिद अवैध है क्या? अरे मस्जिद अवैध नहीं होती है, मंदिर अवैध नहीं होता। उस तरह से ये जो शाखाएं हैं, या तो जितने पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑफिस चलाते, वो क्या लीगल है क्या?
वो समझौते से चलते हैं। ये शहर समझौते का शहर है, यहाँ पर लोग है ना 40 मस्जिद मंदिर मत लाइए ना। अरे लेकिन एक बात बोलूँ, ये शाखा है शिवसेना के लिए क्या है मालूम, मंदिर से कम नहीं है, इसके लिए मंदिर और मस्जिद का जिक्र आया यहाँ पर। नहीं नहीं लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, एक शिवसैनिक के लिए, एक शिवसैनिक के लिए शाखा किस चीज की, पूजा करने की जगह है तो वो खैर चलिए। मुख्यमंत्री देखना शिमला का क्षेत्र कब तक समझौते से चलेगा, समझौते से आगे भी बढ़ना। अभी जब तक के हमारे यहाँ के आमदार मिनिस्टर रह चुके, वो टाइम पे अगर क्लस्टर लेके आते तो ये जो इलीगल इलीगल का झंझट खत्म हो जाता था। लेकिन बात हो रही थी लीगल और इलीगल, उसमें प्रोटेस्ट पे लोग बैठे और आप भी कह रहे हैं कि जो है इलीगल के लिए यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ, तो आप लीगल करने के लिए कुछ प्रोसेस कर रहे होता कि उसको लीगल कर लिया जाए? कोशिश चल रही है, महापालिका से बात चल रही है, इंशाल्लाह वो करने की पूरी पूरी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, यानी जो पत्र व्यवहार है वो हम लोग का चल रहा है। लीगल है, हाँ अभी लीगल है।